स्पीकर साहब, आप भी महिलाएं, मैं भी महिला हूं। मैं हम दोनों की तरफ से और महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि इन्होंने जो स्टार्टअप और स्टैंडअप, खासतौर पे स्टैंडअप इंडिया की जो स्कीम इन्होंने बनाई है, इसमें SC ST जो सबसे बैकवर्ड है और मुस्लिम औरतें जो जोड़ी हैं उसमें मुस्लिम भी औरतें शामिल हैं, तो वैसे ही ये स्कीम औरतों के लिहाज से उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज मुझे लगता है लोगों की निगाह से निकल गई है कि 50% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज कवर्ड अंडर दैट स्कीम इन विच एवरी वुमेन कम्स इनटू इट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। यहाँ कोई हमारे सरकार में विवाद नहीं होता। जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं पिछड़ों में SC ST और महिलाएं खास तौर पे सबसे पीछे, चाहे वो मुसलमान महिलाएं हो चाहे अपर कास्ट महिलाएं, महिलाएं सब पिछड़ी हुई हैं, और उन महिलाओं को इसमें स्कीम में शामिल करके मैं सभी को, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है। आप बांका की बात कर रहे हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जहां भी गरीबी है, चाहे वो बुनकर हो या दूसरे भी कोई काम कर रहे हो, उससे खबर होते हैं। और महिलाओं के जरिए आपको मैं कहूंगी वैसी साहब कि आप अपनी वाइफ के नाम पे लोन ले लीजिएगा 1 करोड़ का। क्वेश्चन हमारी जो है, नहीं नहीं कोई गलत बात नहीं कही, आप चिंता मत करें। यू कैन प्लीज प्लीज नहीं चुके नहीं प्लीज प्लीज डोंट टेक इट लाइटली प्लीज 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 क्वेश्चन अवर इज ओवर प्लीज डोंट आंसर टेक इट लाइटली ओवेसी जी नो कमेंट प्लीज प्लीज यस ऑनरेबल मेंबर्स आप बैठिए ना, आप क्यों बोल रहे हो बीच में, प्लीज प्लीज बैठिए। ओवेसी जी, शी हैज नॉट मेड इवन एनी रिमार्क, प्लीज 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 टेक इट लाइटली प्लीज बैठिए प्लीज बैठिए प्लीज। ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव रिसीव्ड नोटिस, व्हाट इज इट, क्या है वैसी साहब, नाराज मत होइए, मैंने आपकी वाइफ को बुरा नहीं कहा। एक मिनट प्लीज प्लीज पर्सनल एक प्लीज ठीक है आप बात सुनिए प्लीज। मैं आपकी वाइफ की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, एक मिनट, मैंने नहीं करी, बात सुनिए, इट्स ओके लेट हिम अंडरस्टैंड। यस मैडम मिनिस्टर। वैसी साहब प्लीज प्लीज वैसी साहब, मैंने ये कहा कि औरतों को इसमें कवर्ड है, अगर आपकी अहलिया इसमें लोन लेना चाहती हैं तो वो ले सकती हैं, अगर नहीं प्लीज प्लीज। व्हाट इज इट, क्या है वैसी साहब, नाराज मत होइए, मैंने आपकी वाइफ को बुरा नहीं कहा। एक मिनट प्लीज प्लीज पर्सनल एक प्लीज ठीक है आप बात सुनिए प्लीज। मैं आपकी वाइफ की, मुझे लगता है लोगों की निगाह से निकल गई है कि 50% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज कवर्ड अंडर दैट स्कीम इन विच एवरी वुमेन कम्स इनटू इट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। यहाँ कोई हमारे सरकार में विवाद नहीं होता। जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं पिछड़ों में SC ST और महिलाएं खास तौर पे सबसे पीछे, चाहे वो मुसलमान महिलाएं हो चाहे अपर कास्ट महिलाएं, महिलाएं सब पिछड़ी हुई हैं, और उन महिलाओं को इसमें स्कीम में शामिल करके मैं सभी को, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है। आप बांका की बात कर रहे हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जहां भी गरीबी है,
चाहे वो बुनकर हो या दूसरे भी कोई काम कर रहे हो, उससे खबर होते हैं। और महिलाओं के जरिए आपको मैं कहूंगी वैसी साहब कि आप अपनी वाइफ के नाम पे लोन ले लीजिए का 1 करोड़ का क्वेश्चन अवर इज ओवर। नहीं नहीं, कोई गलत बात नहीं कही, आप चिंता मत करें। यू कैन प्लीज प्लीज नहीं सोके नहीं प्लीज प्लीज डोंट कही। स्पीकर साहब, आप भी महिलाएं, मैं भी महिला हूं, मैं हम दोनों की तरफ से और महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि इन्होंने जो स्टार्टअप और स्टैंडअप, खासतौर पे स्टैंडअप इंडिया की जो स्कीम इन्होंने बनाई है, इसमें एससी एसटी जो सबसे बैकवर्ड है और मुस्लिम औरतें जो जोड़ी है उसमें मुस्लिम भी औरतें शामिल हैं, तो वैसे ही ये स्कीम औरतों के लिहाज से उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज भी टेक इट लाइटली प्लीज 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 क्वेश्चन अवर इज ओवर प्लीज डोंट आंसर टेक इट लाइटली ओवेसी जी नो कमिंग प्लीज प्लीज यस ऑनरेबल मेंबर्स आप बैठिए ना, आप क्यों बोल रहे हो बीच में, प्लीज प्लीज बैठिए। ओवेसी जी, शी हैज नॉट मेड इवन एनी रिमार्क, प्लीज 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 टेक इट लाइटली, प्लीज बैठिए प्लीज बैठिए प्लीज। ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव रिसीव्ड नोट।